हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बनाते हैं मटन के पाए, जो कि थोड़ा सा देर लगता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। प्लीज़ इसको घर पे आप ट्राई करें, एक बार बना करके मेरे मेथड से आप देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बनाते हैं मटन का पाया। ये मेरे पास 3 मटन का पाया है, इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पे कुकर को रख दिया है। अब हम लोग इसमें अपना डालेंगे मटन, जो भी जितना मेरे पास मटन है इसको हम लोग ऐसे डाल देंगे पूरी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मटन को इसमें ऐड कर दिया है कुकर के अंदर। देखिए सब, अब इसमें आइए हम लोग देखते हैं मसाला। इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने कॉटन ले लिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे, देखिए बिल्कुल पतला सा मलमल का कपड़ा है ये। अब इसमें हम लोग, देखिए मेरे पास 2 टेबल स्पून भर के सौंफ है। ये है वाइट जीरा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और कुछ काली मिर्च है, जो कि हमको लग रहा है 25 से 30 होगा। ये देखिए मेरे पास 2 तेज पत्ते हैं, इसको हम लोग इसी में सबको ऐड कर लेंगे और गांठ बना लेंगे। मैं आपको पोटली बना के, देखिए मैंने पोटली बना लिया है। अब इसको हम लोग डाल देंगे अपने मटन के अंदर। देखिए हम अपने मटन के अंदर इसको ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी और नमक, क्योंकि मुझे नमक हल्दी में उसमें मसाले के में भी ऐड करना होगा और अभी हमें उबालना है तो इसमें भी ऐड करना है। देखिए मैं 1/2 टेबल स्पून डालूंगी, क्योंकि मेरे पास बड़ा है, टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून इसमें हम लोग हल्दी डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम लोग 3 गिलास पानी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने उसको बिल्कुल निचोड़ करके उसका पानी ले रखी हूँ, वो डालूंगी इसके अंदर, मैंने डाल दी। देखिए इसी गिलास से हम 3 गिलास पानी डालेंगे इसके अंदर। एक गिलास अभी डाल देंगे। देखिए मैं इसमें 1 गिलास ऐड कर दी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डाल दिया इसमें पानी। देखिए फ्रेंड्स, 1 गिलास और डाल देंगे, ये हो गया मेरा 3 गिलास पानी। चलिए अब हम लोग गैस को बंद करेंगे इसको, कुकर अब हम लोग, तब हम लोग इसको बंद करते हैं। मेरा हो गया बनते हुए कम से कम 25 से 30 मिनट को खोल दी हूँ। देखिए पूरा इसका गल गया है। अब इसको हम लोग ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी का हम लोग मसाला तैयार करेंगे। चलिए अब करके मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए फ्रेंड्स, हमने गैस को ओपन कर दिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी, 1 ओनियन है कटा हुआ। देखिए फ्रेंड्स, 1 मेरे पास ओनियन है कटा हुआ। अब इसको हम लोग इसमें डाल करके फ्राई करेंगे और 1 ओनियन मैंने पीस रखा है, पेस्ट बना रखा है उसका। चलिए फ्रेंड्स, मेरा तेल गरम हो गया है। इसमें हम लोग डाल देंगे अपना प्याज, इसको फ्राई करके निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग इसको एक प्याले पे निकाल लेंगे। अब इसमें हम लोग कर देंगे अपना जो मेरा पिसा हुआ प्याज है उसको। ये मेरा सब निकल गया। अब इसी के अंदर हम लोग पिसा हुआ प्याज, देखिए फ्रेंड्स इसी के अंदर मेरा पिसा हुआ प्याज चला जाएगा। इसको अच्छे से साफ करके आप डालना। तो निकाल लिया है। इधर जो है मैं गरम मसाला ली हूँ, कुछ पाउडर्ड मसाले हैं, जो कि ये भर के धनिया है। फ्रेंड्स, मैंने अपना ब्राउन प्याज निकाल लिया है। यहाँ है मेरे पास कुछ पाउडर्ड मसाले, ये है कश्मीरी रेड चिली, ये है धनिया पाउडर, ये है रेड चिली पाउडर जो रेगुलर वाला तीखा होता है वो है, ये है हल्दी, ये है मेरे पास गरम मसाला, ये कुटी हुई जीरा है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मेरा ये प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम लोग अपने डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं भर के डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट लगा था, जो कि आपने देखा था मटन में, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है पूरा, मैंने उसमें जूस डाला था उसका। अपना गरम मसाला देखिए मैदे में बिल्कुल आ गया है, कलर भी अच्छा। अब इसमें हम लोग, इतना टेस्टी लगता है ना, आप इसको बना के कभी चेक कर, जले ना इसलिए इसको थोड़ा सा डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मसाला ये खूब अच्छे से भून गया है, तेल भी देखिए। फ्रेंड्स, इसमें जो हम लोग का मसाला है ना, इसको हम लोग निकाल लेंगे बाहर। देखिए मैंने इसको निकाल लिया है बाहर।
अब हम लोग अपना जितना है ना इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कढ़ाई में। देखिए फ्रेंड्स मेरा, अब इसमें हम लोग डाल देंगे अपना ग्रेवी और पाए। देखिए बिल्कुल ऐसे इसको हाथ से करेंगे तो वो भी टूट रहा है, देखिए ये बिल्कुल ये टूट जा रहा है हाथ से करने पे। जब तक ये गलेगा नहीं ना खूब अच्छे तरीके से तब तक ये अच्छा नहीं लगता है खाने में। इसका रोगन इसमें उतरना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स इसको चेक करने पे देखिए ऐसे स्पून से ये कट जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीका से इसको होना चाहिए। देख रहे हैं ना इसको मैंने ऐसे करने पे ये कट जा रहा है, देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स नमक जो है ना मुझे कम लग रहा है, इतना सा और हम लोग नमक डालेंगे। छोटी सी छोटी टेबल स्पून से आप लेंगे तो उससे हाफ टेबल स्पून होगा, थोड़ा सा कम लग रहा है। रोटी से खाना होता है इसलिए इसमें हम लोग नमक कमी देख करके डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो मैंने पानी भी डाला था उबला हुआ था इसीलिए इतनी जल्दी ये उबल गई। अब हम लोग इसमें ढक्कन लगा करके 10 मिनट छोड़ देंगे कम फ्लेम पे। मैंने गैस का फ्लेम को बिल्कुल